नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव वे डिस्कवर जीनियस इंटरनेशनल से आज आपके साथ एक जीवन और विचार को बदल देने वाली कहानी शेयर करने जा रहा हूं। यह कहानी एक पक्षी की है। एक पक्षी था जो रेगिस्तान में रहता था, बहुत बीमार, कोई पंख नहीं थे, खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, रहने के लिए कोई आश्रय नहीं था। एक दिन एक कबूतर गुजर रहा था, इसलिए बीमार दुखी पक्षी ने कबूतर को रोका और पूछा, दोस्त तुम कहाँ जा रहे हो? कबूतर ने उत्तर दिया, मैं स्वर्ग में जा रहा हूं मित्र। तो बीमार पक्षी ने कहा, कृपया मेरे लिए पता करें कि कब मेरी पीड़ा समाप्त हो जाएगी, कब मेरा दुख का निवारण होगा। कबूतर ने कहा, मैं निश्चित ही पता करूंगा, और बीमार पक्षी को एक अच्छा अलविदा बोली और कबूतर स्वर्ग पहुंच गया। प्रवेश द्वार पर परी प्रभारी के साथ बीमार पक्षी का संदेश साझा किया। परी ने कहा, पक्षी को जीवन के अगले 7 वर्षों तक इसी तरह से दुख भोगना पड़ेगा, तब तक कोई खुशी नहीं मिल सकती। कबूतर ने कहा, जब बीमार पक्षी यह सुनता है तो वह निराश हो जाएगा, क्या आप इसके लिए कोई उपाय बता सकती हैं? देवदूत ने उत्तर दिया, उसे इस वाक्य को हमेशा बोलने को कहो। और यह वाक्य था, सब कुछ के लिए भगवान तेरा बहुत शुक्र है, सब कुछ के लिए हे परमपिता तेरा बहुत शुक्र है। बीमार पक्षी से फिर से मिलने के लिए कबूतर ने स्वर्गदूत का संदेश दिया। 7 दिनों के बाद कबूतर फिर से गुजर रहा था और उसने देखा कि पक्षी बहुत खुश था, उसके शरीर पर नए पंख उग आए थे, एक छोटा सा पौधा रेगिस्तानी इलाके में बड़ा हुआ, पानी का एक छोटा सा तालाब भी मिल गया, चिड़िया खुश होकर नाच रही थी। कबूतर चकित रह गया, हैरान रह गया कि देवदूत ने कहा था कि अगले 7 वर्षों तक इस पक्षी के जीवन में कोई खुशी नहीं होगी, और इस सवाल को ध्यान में रखते हुए कबूतर फिर से स्वर्ग के द्वार पर देवदूत से मिलने गया। कबूतर ने परी को अपनी क्वेरी दी, अपने मन की दुविधा बताई। देवदूत ने उत्तर दिया, हाँ यह सच है कि पक्षी के लिए 7 साल तक कोई खुशी नहीं थी, लेकिन क्योंकि इस पक्षी ने हर स्थिति में हर हालात में सब कुछ के लिए उस ईश्वर परमपिता का शुक्राना किया, बोल रहा था और भगवान का शुक्र कर रहा था, इस कारण इसका जीवन बदल गया। जब पक्षी गर्म रेत पर गिर गया तो उसने कहा, सब कुछ के लिए हे परमपिता तेरा शुक्र है। जब यह उड़ नहीं सकता था तो उसने कहा, तेरा शुक्र है परमात्मा। जब उसे प्यास लगी और आसपास पानी की एक बूंद तक नहीं थी, तब भी उसने कहा कि सब कुछ के लिए भगवान तेरा शुक्र है। जो भी जैसी भी स्थिति आई, पक्षी दोहराता रहा, सब कुछ के लिए तेरा शुक्र है, हे भगवान तेरा शुक्र है। और इसलिए 7 साल 7 दिनों में ही समाप्त हो गए। जब मैंने यह कहानी सुनी मित्रों, तो मैंने अपने जीवन को महसूस करने, सोचने और स्वीकार करने, हालांकि हर पहलू को देखने के तरीके में एक जबरदस्त बदलाव महसूस किया। मैंने अपने जीवन में इस कहानी को, या यूं कहें इस कहानी की शिक्षा को अपनाया। जब भी मैंने जो स्थिति का सामना किया, मैंने अपने मन में इसी एक लाइन को दोहराना शुरू कर दिया, वो पीड़ा जो स्थिति की या परिस्थितिवश मुझे मिली थी, वो कुछ ही क्षणों में गायब हो गई। मैं मन ही मन बस हर स्थिति में ये दोहराने की कोशिश करता गया, सब कुछ के लिए भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है।
इसने मुझे मेरे विचार को, मेरे जीवन को बदलने में बहुत मदद की। उदाहरण के लिए, अगर मेरा सिर दर्द करता है तो मुझे लगता है कि मेरा बाकी शरीर तो पूरी तरह से ठीक और स्वस्थ है, और मुझे लगता है कि सिर दर्द मुझे बिल्कुल परेशान नहीं कर सकता। उसी तरह मैंने अपने रिश्तों, चाहे परिवार, दोस्त, पड़ोसी, सहकर्मी के वित्त, सामाजिक जीवन, व्यवसाय और हर उस चीज का उपयोग करना शुरू कर दिया जिसके साथ मैं संबंधित हो सकता हूँ। मैंने इस कहानी को सभी के साथ साझा किया जिसके साथ मैं संपर्क में आया, और इसने उनके व्यवहार में भी एक बहुत बड़ी तब्दीली कर दी। इस सरल सी कहानी का मेरे जीवन पर वास्तव में गहरा प्रभाव पड़ा। मुझे लगने लगा कि मैं कितना धन्य हूं, कितना खुश हूं, जीवन कितना अच्छा है। इस संदेश को साझा करने का उद्देश्य हम सभी को इस बारे में अवगत कराना है कि एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, यानी शुक्राना और आभार का फल कितना शक्तिशाली है। यह हमारे जीवन को एक नया रूप दे सकता है, हमारे जीवन में बदलाव का अनुभव करने के लिए इस कहानी को बार बार सुने और इसको अपने जीवन में उतार लें। इसलिए मित्रों, आभारी रहें और अपने दृष्टिकोण में बदलाव देखें, विनम्र बने और तुम कभी ठोकर नहीं खाओगे। हमेशा हर चीज और हर पल अपने मालिक, अपने गुरु जी का शुक्रगुजार करते रहो, शुक्रगुजार करते रहो, धन्यवाद करते रहो। थैंक यू। आप सबके जीवन में उस परम ब्रह्म की कृपा हमेशा हमेशा बनी रहे।